साइबर सिटी के सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन एरिया में 25 वर्षीय कलयुगी बाप ने अपनी ही 3 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। वारदात कल देर रात सरस्वती एनक्लेव इलाके की है, जहां नशे में धुत बाप ने पत्नी की गैर मौजूदगी में साथ सोई 3 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दे डाला। एसीपी क्राइम के अनुसार वारदात से पहले नशे में धुत 25 वर्षीय कलयुगी बाप का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद इसकी पत्नी अपने भाई के घर रात को ही चली गई थी और जब सुबह घर पहुंची तो 3 वर्षीय मासूम को खून से सना हुआ पाया। 3 वर्षीय नाबालिका को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ नाबालिग की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली सफदरगंज रेफर कर दिया गया। बहरहाल पुलिस ने कलयुगी बाप को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 के अंडर जो है एक 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक छोटी बच्ची जो करीबन 3 साल की उम्र की थी, उसमें एक जो लगभग 30 साल की उम्र का एक आरोपी था, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसमें पुलिस ने तुरंत जो है ना इसकी कार्रवाई करते हुए केस रजिस्टर करके और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कौन है सर, पहचान? 28/11 की रात को लक्ष्मण आपके नशे में था और इनका इसमें झगड़ा हुआ था कंप्लेनेंट जो है उसके साथ। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका फादर ही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में के दौरान जो भी सामने आएगा बता दें। कब का मामला है और कितने रात? ये 28-29 नवंबर की रात का मामला है और सुबह जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें केस रजिस्टर करते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए हाँ ये अभी जो है इसका मेडिकल करवाया गया है और इसमें सारा का सारा जो डॉक्टर की मेडिकल की और FSL की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पुष्टि की जाएगी।